ये देखिए, ये जो है ना शिपयार्ड का, ये शिपयार्ड का एंट्रेंस है और यहाँ पर विदाउट परमिशन जाना जो है प्रोहिबिटेड है, ठीक है। अगर आपको परमिशन देते हैं, मैं भी परमिशन लेके ही गया था, अगर आपको परमिशन देते हैं तो ही आप जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट गो, बिकॉज उनकी रजामंदी के अलावा आप जाएंगे तो ये कानूनन जुर्म होगा, क्योंकि पुलिस वाले भी यहाँ पर बैठते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो जहाज़ है, ठीक है, इनके जो वुड यहाँ से यूज़ होते हैं वो देखिए इस तरह के होते हैं। अभी मैं आपको मेरा हाथ दिखाता हूँ, इस कितना छोटा लग रहा है, तो ये कितना बड़ा होगा, ये बहुत ही लंबाई में और पौड़ाई में बहुत बड़ा है, क्योंकि जहाज़ में यूज़ होने वाला लकड़ा है। ये देखिए यहाँ पर इनके कटिंग मशीन भी हैं, और ये कितनी तादाद में हैं ये भी आप देख सकते हैं, क्वांटिटी वाइज बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद यासीन और आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ आई यासीन। आज मैं आया हूँ कच्छ में, और कच्छ में ऐसे बहुत से शहर हैं, भूज, गांधीधाम, अंजार, मांडवी, कंडला, ऐसे कई नामचीन शहर हैं, बट इन नामचीन शहरों में से एक शहर है मांडवी, जो दरियाई किनारा है और रोज़गार का साधन है। यहाँ पर कई ऐसे हैं जो अपना रोज़गार यहाँ पर ढूंढते हैं, तो आज मैं एक्सप्लोर करूँगा इस बीच के, यहाँ पर जो यहाँ पर शिपयार्ड है, शिपयार्ड में जो लोग काम करते हैं, शिप कैसे बनती है, हर वो चीज़, ठीक है, मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊँगा। मैं आया हूँ मेरे भाई के साथ जिसका नाम है गफ्फार, ठीक है। ये देखिए ये रहा, ये मेरा भाई है, ये मेरे मामा का लड़का है, और ये यहीं पर रहते हैं, ठीक है। मेरा ननियाल जो है यहाँ पर है, यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर है, ठीक है। ये मांडवी का जो है बीच का इलाका नहीं है, ठीक है, यहाँ पर शिप बनती है और यहाँ से दुबई, ओमान जाती है, और वहाँ पर जो है ये लोग घूमते हैं और वापस आते हैं, तकरीबन 1 साल 1.5 साल 2 साल। और इस शिप को बनाने के लिए तकरीबन कितना समय लगता है, ये सारे सवालों के जो जवाब हैं, ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इंशाल्लाह बने रहिए ब्लॉग में, मैं आपको इस बार कुछ नया दिखाने जा रहा हूँ। बेसिकली ये वीडियो का जो स्टार्ट है, ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन जो देने जा रहा हूँ, जिन्होंने ये शिप बनवाई है उनके चाचा जो हैं ये शिप बनवाई है, और उनके भतीजे जो हैं, आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी लेकिन ये थोड़ा इरिटेशन भी होगा, लेकिन इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपको शायद किसी वीडियो में यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो मैं आपका तारुफ करवाने जा रहा हूँ ऐसी शख्सियत से जिनका ये जहाज़ बनाने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और ठीक है, उनको घराने से जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं इसी बिज़नेस के अंदर हैं। तो चलिए मिलते हैं उस शख्स से जिनको इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, बरकातहू, कैसे हो? ठीक ठीक ठाक। अच्छा, तो इस जहाज़ के बारे में आप कुछ ज़रा बताएंगे मेरे को कि क्या सिस्टम होता है, किस तरह का होता है, कितना साल लगता है, क्या है? ये जहाज हम बना रहे हैं, तकरीबन 207 फीट लंबा है। अच्छा, 207 फीट लंबा है, और तकरीबन ये कच्छ या गुजरात का बड़े में बड़ा जहाज है ये। अच्छा, लकड़ी का जहाज, सबसे बड़े में बड़ा जहाज है मांडवी पोर्ट में। और इसकी खासियत है इसमें 4 कोल्ड रूम है। अच्छा, और 6 रूम है। अच्छा, किचन, मेस रूम और मीटिंग रूम रखा हुआ है। अच्छा, और इंजन 2000 हॉर्स पावर के 2 मशीन लगेंगे। अच्छा, और इसमें मलेशियन हुड यूज किया गया है, मलेशियन जो साल हुड बोलते हैं जो आउटसाइड। अच्छा, में तो ये पानी में जो मतलब इसको पानी में मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है अगर ये पानी में जाता है तो, या फिर इसको कुछ मछली का ऑयल वगैरह कुछ लगाते हैं? हाँ, वही, क्यों आउटसाइड में जो पानी तक उसमें हम इंड अपना है तो वो यूज होता है, रेड ऑक्साइड जैसा यूज कलर देते हैं। अच्छा, जो एंटी फॉलिंग कलर उसका नाम बोलते हैं, एंटी फॉलिंग। अच्छा, जो अच्छा, पानी तक रहता है उसमें जो मछली का अपना कुछ इनसे कोई खराब लकड़ी को खराब नहीं करता, वो इनसे कहता है जो 6 महीने का गारंटी रहता है लकड़ी के। अच्छा, तो ये जहाज मतलब कौन ऑर्डर देता है बनाने के लिए बेसिकली? हमारे लिए, हमको ये पर्सनली कोई ऑर्डर मिला है, तो ये बोल रहे हैं ये शेख का है, दुबई के। अच्छा, दुबई के शेख का है। अच्छा, तो ये मतलब तकरीबन इसकी कॉस्ट क्या होगी? तकरीबन इसकी कॉस्ट 7 से 8 करोड़ तक है। 7 से 8, थोड़ा बहुत
ज़्यादा हुआ है क्योंकि अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है लकड़ी में। अच्छा, उसके लिए। तो ये जो बिजनेस है, मतलब आप इसमें मतलब कितवी पेढ़ी है, मतलब आपकी दर? हमारी पांचवी पेढ़ी है। पांचवी पेढ़ी इसी के अंदर है। बहुत लंबा योगदान है आपका इस मतलब इस बिजनेस में। तो बेसिकली आप यहाँ पर रहते कहाँ पर है, मतलब मांडवी लोकेटेड मांडवी है या फिर मतलब कहीं आसपास के गांव में रहते हैं? मांडवी में रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद भी यही काम करते हैं या फिर दूसरा ही काम करते हैं? मतलब नहीं, मैं अभी यही काम करता हूँ। अच्छा, अभी मेरा ये अंकल बना रहे हैं, इब्राहिम इस्माइल मिस्त्री, ये बोर्ड। अच्छा, वो बना रहे हैं। अच्छा, तो ये पूरा बोर्ड बनाने का क्रेडिट मतलब उनका ही है, मतलब उनके डायरेक्शन के अंदर जो है, मतलब। और मैं पहले से स्टार्ट से अभी तक मैं ही हूँ। अच्छा, उनके अंडर में सब काम कर रहे हैं, हमारा पूरा। अच्छा, फैमिली है उस हमारा। अच्छा, मिस्त्री। तो इसमें मतलब कितने आदमी मतलब लगते हैं आपको ये बनाने के लिए, और कितना समय लगता है इसको बनाने के लिए? तकरीबन रेगुलर 20 से 25 कारपेंटर होते हैं, 15-20 हेल्पर रहते हैं। अच्छा, तकरीबन 30-32 महीना हो गया है। 30-32 महीने? अच्छा, मतलब 1.5 साल के तकरीबन? तकरीबन 2.5 साल के ऊपर। 2.5 साल के ऊपर हो गया है, चलो सही है। तो अभी तक ये मतलब फिनिशिंग मोड में नहीं आया है? अभी तो फिनिशिंग मोड में नहीं, तकरीबन 20-25 दिन लग जाएंगे। और 20-25 दिन लग जाएंगे। अच्छा, अब मैं नीचे जाता हूँ और नीचे जाकर देखता हूँ कि किस तरह से अंदर की क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने मतलब स्टार्टिंग में दिया, तो अब देखते हैं कि अंदर जाके हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम आए हैं नीचे के कंपार्टमेंट में, और ये देखिए ये लोग जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। यूट्यूब पर है ना, ऐसा वीडियो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरा टोटली रॉ दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए ये लोग जो काम कर रहे हैं, अभी फिनिशिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके कलर का जो है काम चल रहा है, जो उन्होंने शुरुआत में जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो इस तरह की है कुछ, ये इस तरह का कुछ है। देखिए इस तरह का जो है जहाज के अंदर होता है, ये जहाज जाएगा कहां पर बनके? दुबई। अच्छा, यहां से जब निकलेगा तो कितना वक्त लगेगा तकरीबन दुबई पहुंचने के लिए? चार दिन पांच दिन। 4 से 5 दिन में दुबई पहुंच जाएगा? अच्छा, और दूसरा जहाज इसको बांध देगा पॉइंट करेगा। अच्छा, इंजन नहीं, इंजन तो डालेगा दुबई में। दुबई में इंजन डालेगा इसका। अच्छा, ये क्या है भाई? ये इसका इंजन रूम है। अच्छा, ये इसका इंजन रूम है। ये देखिए ये पूरा जो है इंजन रूम है, दिखता है ना? हाँ, तो इसे साफ देखना। कहाँ पर आएगा? एक दिन यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये तो थर्ड सन है इसका। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये तो थर्ड सन है। अच्छा, वो दिखता है, साफ दिखता है ना वो। बराबर, इसके नीचे भी है कुछ और? बस यही है। ऐसे ये कितने कितने रूम है ऐसे? ये क्रू के लिए। अच्छा, ये क्रू मेंबर के लिए। अच्छा, ये जो नजदीक वाला जो होता है क्रू मेंबर के लिए होता है? ये रूम चार क्रू मेंबर के लिए, वो दो फ्रीजर है। अच्छा, फ्रीजर कौन सा है? चार। अच्छा, फ्रीजर में मतलब खाना वगैरह मतलब स्टोर करने के लिए? अच्छा, मतलब फिश वगैरह मतलब या समुंदर से पकड़ के इसमें रख देते हैं या फिर मतलब आप यहाँ से? अच्छा, कोल्ड रूम है, कोल्ड स्टोरेज। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज है, तो ये पूरा मतलब इसमें बर्फ आ जाएगा और फिश आ जाएगी? तो उसके लिए भी इसमें सेटअप बनाया गया है। अच्छा, तो ये क्या है, ये मतलब खोल सकते हैं क्या? ये देखो, ये तो अभी से ठंडा लग रहा है। चलो सही है, तो ये कोल्ड रूम है, इसमें जो है फिश वगैरह यहाँ पर रह सकती है। मैं खुद पहली बार, मेरा ननियाल जो है यहाँ पर है, लेकिन मैं खुद पहली बार जो है मतलब शिप के अंदर घुसा हूँ। किचन है। अच्छा, ये किचन है, खाना तैयार होगा। अच्छा, और ये खाने का। अच्छा,
ये किचन है, अभी तक सेटअप नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मतलब फ्लोर स्टार्ट कर दिया है प्लेटफॉर्म। ये डाइनिंग हॉल होगा। अच्छा, ये डाइनिंग हॉल है। लाइट लाइट इसके अंदर है? नहीं है, लाइट नहीं है ना। अच्छा ठीक है। और ये क्या है? अच्छा ये वेटिंग रूम है यहाँ पर। इसका कौन सा रूम है ये बैठने का? अच्छा, मतलब यहाँ पर बैठ के अगर कुछ ऐसा डिसीजन लेना है तो यहाँ पर बैठ कर मीटिंग कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या आराम कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम है। चलो सही है। ये कितना भी बड़ा जहाज हो जाए ना, लेकिन समुंदर के लिए ये हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि समुंदर समुंदर है। ये देख सकते हैं आप, आपने अगर अंदर से नहीं देखा होगा किसी YouTube चैनल के ऊपर तो मेरे चैनल पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये देखिए कितना लंबा है, आगे भी है ये। वैसे एक रग्बी ग्राउंड जितना तो है ही है वैसे। ये देखिए कितना लंबा। आपको मैंने पूरी इसकी सफर दिखाई, आपको मैंने इसका पूरा टूर करवाया। तो ये वैसे पेंटर और कारपेंटर ये सबका अलग अलग काम होता है, या आप सिर्फ पेंटिंग कर रहे हैं यहाँ पर? ये कारपेंटर होता है ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जो होता है ना एक्रेलिक पुट्टी। अच्छा, तो पूरा एक्रेलिक क्या है इसको, इसको इसके बाद कसाई करता है, फिर इसको वॉल पे प्राइमर मारता है, इसके बाद कलर का पेंट का भी एक आता है। अच्छा, और बाहर पूरा डिको किया है। अच्छा, वैसे ये सारी टेक्निकल चीज़ें तो मेरे को पता नहीं चलेगी, लेकिन आप बोल रहे हो, अगर कोई टेक्निकल वाला बंदा सुन रहा है तो उसको पता चलेगा, क्योंकि मेरे नॉलेज के बाहर ही है। क्योंकि मैं इस काम का नहीं हूँ जानता। नहीं, ये मांडवी में ऐसा इतना बड़ा पहली बार बना है। अच्छा, ये मांडवी में सबसे ज़्यादा अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा बनने वाला, मतलब फर्स्ट टाइम? अच्छा, फर्स्ट टाइम है, क्योंकि इससे जहाज बना है। हाँ, 2000 टन का जहाज बन गया, लेकिन ऐसा फैसिलिटी ऐसे डॉल्फिन नहीं बना कभी। अच्छा, इसमें कितने लोग जो है मतलब बैठ सकते हैं, मतलब कितने लोग इसमें, मतलब ये तो बड़ी स्टीमर तो है नहीं, मतलब जहाज ही है छोटा सा। नहीं कह सकते इसका, क्योंकि इसका सीटिंग तो है नहीं कि 500 सीटिंग है, 200 सीटिंग है, कितना भी आदमी बैठ सकते हैं। इसमें इसका क्रू होगा वो कम से कम 10-15 आदमी होगा। 10-15 आदमी होगा, और ये जाएगा दुबई, ये किसी शेख ने दिया है ऑर्डर बनाने के लिए, वो तो आपको मालूम है। चलो सही है, चलो थैंक यू। हाँ, यहाँ पर आपको आवाज़ जो है काफ़ी कम सुनाई देगा, बिकॉज यहाँ पर जो पानी की जो मोटर है वो चल रही है यहाँ पर, ठीक है, तो आवाज़ अगर कम सुनाई दे, लेकिन मैं आपको ऊपर का कंपार्टमेंट भी दिखाता हूँ कैसा है। शिप्स हैं जो यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है, अभी उनका काम चल रहा है लेकिन बनी नहीं है। ये देखिए ये जो सामने है ना, ठीक है, ये बन के आई थिंक आई हुई है और रुकी हुई है, और लेकिन उसका जो है मेंटेनेंस का काम चल रहा है।
मैं वहाँ पर जाके भी आपको कोशिश करूँगा दिखाने की। और ये रही छोटी छोटी बोट्स, ठीक है, ये भी यहाँ पर मतलब आती हैं यहाँ पर। ऐसे कई परिंदे भी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और भर्ती आने का जो है टाइम हो रहा है, और अभी टाइम हो चला है 6:05। जावेद भाई थैंक यू आपका बहुत कीमती समय और बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू। ठीक है अब मैं चलता हूँ। वैसे जावेद भाई जो है मेरे ही कास्ट के हैं, लोहार हैं, ठीक है, और इनका यही व्यवसाय है। तो आई होप कि आपको जो है वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपको कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, कुछ मैंने नए दिखाने की कोशिश की है। अपना ख्याल रखिए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। टेक केयर, बाय बाय।